वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि निदेशक डॉक्टर स्वराज सिंह ने बताया कि प्रदेश में सभी किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों की जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए किसान पाठशाला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए किसान पाठशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप कृषि निदेशक डॉक्टर संजय सिंह सहित संबंधित अधिकारी और मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। डिटेल में जानकारी देनी है तो आपका जो विषय निर्धारित है उससे कम भाई किसान को एकदम लगातार एकदम इसका मत कर दीजिए। तो आप बताइए कि अपने किसान भाइयों को खरीफ फसल उत्पादन की जो तकनीकी है उसके बाद आपको उर्वरक का प्रबंधन करना है। जैसा अभी निदेशक महोदय ने बताया कि आपको जो मैनेजमेंट का हमने उर्वरक डालने के बारे में चर्चा नहीं की है और वो मृदा उर्वरता से लेकर के और आपकी फसल की आवश्यकता तक वो चीज़ें आएंगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर आएगा, बायोफर्टिलाइजर आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी। हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मृदा परीक्षण है, मृदा परीक्षण जो है वो भी आपको करना है, तो वो सारे मैनेजमेंट को लेकर के आप चलेंगे। इसी तरह जल प्रबंधन की बात है इसमें, तो हमने जब सिंचाई की बात नहीं की है, हमने प्रबंधन की बात की है कि हाउ टू मेंटेन एंड मैनेज दी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। आपके जमीन में जब पानी रहेगा तो अभी तो आप जो है अभी तो आप फसलों को या पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर पाएंगे। तो विषय को ही समझिए, पहले विषय समझिए। हमने आपको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात केवल नहीं की है बल्कि प्रबंधन की बात की है। तो जो मैटर दिया उस मैटर को दोहराइए और पढ़िए और इसके बारे में जो मैनेज है, ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। डालकर आप जो है छीट देना ही जो है वो एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही, तो मैनेजमेंट के बारे में करिए। इसी तरह जल प्रबंधन की बात हमने की है, जल जो है कैसे उसका संरक्षित उपयोग किया जाए। जो हमारे पास जल है आपके बेरक डिवीजन में तो बहुत सारा पानी जो है वो जलस्तर बहुत नीचे चला गया है, तो हमें जो वर्षा का जल हो रहा है उसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे उसको जो है संरक्षित रखें और कैसे क्रॉप रोटेशन अपनाएं। और वहाँ पर जो है जो सबसे ज़्यादा जल चाहने वाली फसल है गन्ना की खेती होती है, तो हम कैसे उसका मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट करें। ड्रिप सिस्टम ऑफ इरीगेशन वहाँ पर काफ़ी प्रचलित हो रहा है, गन्ने में समस्या बहुत ज़्यादा आती है। हालांकि सर किसानों में आपने काफ़ी मेहनत की है, तो किसानों में जिससे अब घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन हमें उसे शून्य करना है। तो पराली किसान के सामने विकल्प भी दीजिए क्या क्या आप करें। पराली के खेतों में जो है आप जब भी देखिए हमारा जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के यंत्रों पर हम अनुदान दे रहे हैं, हमारे निदेशक महोदय हमारे बीच में आ गए, उनका स्वागत है। तो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, किसान हम देखिए योजना चल रही है, यंत्रों पर अनुदान दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। वो भी प्रबंधन की बात है, मैनेजमेंट की बात है, फिर जो है टिड्डी नियंत्रण की बात है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप उन्हें हमारे किसानों को बताएंगे, तो जब तक आप अपने विषय के बारे में विषय के कॉन्सेप्ट के बारे में आप नहीं जानेंगे। एकदम नीचे चला गया, आप 300 फीट नीचे सबमर्सिबल से सिंचाई करना है, वो समस्या है, उसका निदान चाहिए हमको। निदान क्या है, पेयर ड्रो अगर हम गन्ना जो है 90 सेंटीमीटर लगाया, उसका पेयर ड्रो हमने लगा दिया 1.5 फीट पे 45 सेंटीमीटर पे, और उसमें आपने ट्रिप की लाइनें बिछा दी, उसका खर्चा आता है 50,000 रुपये एकड़, और आपका उत्पादन उत्पादकता बढ़ जाती है, पहले साल में ही आ जाता है और 7 साल तक वो चलता है। तो कुछ नई विधि बताइए ताकि जो दोहन जल का कम से कम जो उपलब्ध जल है उसका अधिक से अधिक क्षेत्र की हम सिंचाई कर पाए, और प्लस उसमें अगर कोई इंटरक्रॉप हम दे सकते हैं तो इंटरक्रॉप की बात करें। फिर आप उसमें धान की बात करिए कि हमें जो है ये तो पराली न जलानी है, हमें धान का जो है जो पत्नी है उसको भी नहीं जलाना है, और उसके बाद आपके यहाँ थोड़ा बाजरा होता होगा या मक्का होता होगा, तो उसको सेगमेंट में बांट के 45 मिनट अगर आपको बोलना है तो 45 मिनट बहुत भारी होता है बोलना। उसके लिए जब तक आपके पास पूरी तैयारी नहीं होगी तो रोज का रोज आप पार्ट पूरा तैयार करें। पहले दिन काम चलाना है, वो वेराइटी लगाएंगे तो लागत कैसे हो सकता है,
इन सब बिंदुओं को जब आप बोलेंगे ना तब जुड़े किसान हमसे आपसे बहुत ज्यादा जानता है, उसको बहुत जानकारी और पीढ़ियों का ज्ञान है उसके पास। तो क्या क्या हमें उसे देना है, क्या उसे सीखना है, उसे समझिए। अगर कोई भी अच्छी बात बता रहा है उसको प्रमोट करें, ठीक है। और उनसे भी इनपुट लेंगे आप, वो आपसे इन्वॉल्व होंगे, ऑडियंस को सीखना।